बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं UC8 अलफलाह नॉर्थन आबाद के अवाम से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं बलदियाती उम्मीदवार था और मैंने बाइकआउट किया अपनी पार्टी के कहने पर। कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी के कहने पर हमने बाइकआउट किया है। अच्छा, बाइकआउट की वजह आपको बताना चाहता हूं। जमात इस्लामी जो है उसके हाफिज़ नईम उर्रहमान साहब जो है खुद साख्ता मेयर, उनको बहुत शौक़ है मेयर बनने का। तो चंद बातें मैं सामने लाना चाहता हूँ। उन्होंने करोड़ों रुपए इन्होंने अपनी तशरीह मुहिम में लगाए। एक्टरों को कोई पूरे पाकिस्तान कोई ऐसा एक्टर नहीं बचा जो इन्होंने उसमें ख़र्चा ना किया हो। सवाल मेरा है कि उन्होंने ये पैसा लाए कहाँ से? जो वोटर है उनका हक बनता है वो बताएं कि वो पैसा कहाँ से लाए मुहिम पर चलाने के लिए। और एक्टरों को और मीडिया को और तमाम तस्वीरों और दीगर उन्होंने उसके अंदर इस्तेमाल किया, कहाँ से लाए वो पैसा बताएं वोटरों को, पहले बताएं। अगर उन्होंने मेयर बनना है तो बाइकआउट कर दिया, लेकिन अब सवाल उठेगा, सब सवाल पूछेंगे कि वो अरबों रुपए कहाँ से लाए। आया वो मस्जिद से चंदे के थे, कुर्बानियों के थे, इज्तिमाई कुर्बानी के पैसे थे? आया वो कोई बिजनेस करते हैं? वो बताएं आवाम को कि वो सबसे सवाल पूछते हैं और बड़ी ऊंची आवाज़ में और चिल्ला के बात करते हैं वो। तो भाई चिल्लाना हम भी जानते हैं, आप हमारे सवाल का जवाब दें। आप इस UC8 से एक उम्मीदवार हैं और यहाँ UC8 के उम्मीदवारों को भी से मेरी गुजारिश है वो भी इनसे सवाल करें और ख़ासकर आवाम सवाल करें कि इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से? अगर ये करप्शन का पैसा है तो फिर बिल्कुल नहीं बनता इनको वोट देना। सख्ती से मैं बाइकॉट करता हूँ इनका कि हाफिज़ नईम उर्रहमान को बिल्कुल भी वोट ना दें। इनसे मेरा एहतजाज है इनके ऊपर और आवाम से वादे कह देना चाहता हूँ UC8 की कि बाइकॉट करें जमात इस्लामी को, हाफिज़ नईम उर्रहमान को वोट देने के लिए बाइकॉट।